everyone my name is trimbida and welcome back to word student school in today's lecture we are going to start with part 3 of chapter number 1 that is chemical reactions and equation so in the previous lecture we started about the combination reaction and how do we balance the reaction so yes we were continuing with the types of reaction so let us now see our next type of reaction that is the decomposition reaction Now let us first understand what is decomposition means. कि decompose करने का मतलब क्या होता है Decompose करने का मतलब है breakdown करना है ना It means कि अगर आपका कोई compound बना हुआ है तो आप उसको breakdown करते हो into pieces, या वो अपने आप breakdown हो जाता है into pieces. अब let's suppose कि plant है For example, plant died for some reason, and it gets mixed with the soil. तो सोयल में जितने पर्टिकुलर टाइप ऑफ या वेरियस सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे व्हाट दे विल डू इज़ दे विल ट्राइ डी द इन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, राइट सो टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन वी द प्रोसीजर फर्स्ट टेक अबाउट टू ग्राम ऑफ सल्फेट क्रिस्टल क्या करना है हमें सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं दो ग्राम इन ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब लेनी है ड्राई ड्राई का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है उसमें आपको दो ग्राम द कलर ऑफ द सल्फेट क्रिस्टल एंड यू नीड टू रिमेंबर की फेरसल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है ओके नाउ हीट दॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर क्या करना है बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एड शोन इन फिगर वन पॉइंट फोर अब देखो क्या है यह बर्नर है राइट right? बर्नर में आपने फेरसल्फेट क्रिस्टल्स डाले हैं सी एंड देन यू आर हीटिंग विद दिस बर्नर किससे होल्ड करके टॉन्ग से होल्ड करके दीज आर द टॉन्ग एंड यहां पर आपको बेटा ये देखो डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और यूर सेल्फ कि इस बॉइलिंग ट्यूब का जो आपने माउथ है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रखना है एल्स जो रिएक्शन हो रहा है इट कैन बर्न योर फेस ऑल्सो एंड अगर आपके साथ में कोई खड़ा है अगर उसके टू वर्ड का माउथ है तो इट कैन बर्न देयर फेस एज वेल तो ये आपको याद रखना है तो आपने इसको बर्न कर दिया नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग जब आपने सारा काम कर लिया तब आपने कलर देखना है किसका क्रिस्टल का कि हाउ डज इट लुक्स राइट ओके अब देखो द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट आपको बोला था ऑब्जर्व करने के लिए कलर ऑफ फेरस सल्फेट तो फेरस सल्फेट का कलर क्या है ग्रीन इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक है इट्स इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर दैट तो ग्रीन फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन एंड अ पिक्यूलियर सल्फर स्मेल कम्स आउट फ्रॉम द टेस्ट्यूब ये क्या होता है बेटा फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है इट चेंजेस इन टू ब्राउन और किसमें पिक्यूलियर सल्फर की स्मेल आपको आती है समझ में आया यहां पे ग्रीन कलर है आपका फेरस सल्फेट का फेरस सल्फेट का एंड इट विल टर्न इन टू ब्राउन इट विल टर्न इन टू ब्राउन कलर ट विल टर्न इन टू ब्राउन कलर एंड स्मेल ऑफ सल्फर यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ सल्फर हेयर आवी क्लियर ठीक है फेरे सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया ब्राउन कलर के सब्सटैंस में एंड पिक्यूरियस स्मेल ऑफ सल्फर कम्स आउट ऑफ इट राइट ओके ये समझ में आ गया सबको ऑब्जर्वेशन नाउ हीटिंग फेरस सल्फेट ऑन टेस्ट ट्यूब लीड्स टू डिकम्पोजिशन ऑफ फेरसल्फेट इन टू फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इट ऑल्सो लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच हैज अ अल स्मेल ओके नाउ लेट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन हमने क्या किया सबसे बड़ी बात कि हमने हीट किया है इसको एक तो ये पॉइंट आपने याद करना है कि हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो एफ एसओ फोर यहां पर हमने क्या किया? हीट किया है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई कैटलिस्ट और कैटलिस्टरेचर यूज कर रहे हो तो यू हैव टू राइट इट ऑन द एरो सो आई हैव रिटन हीट तो फेरस सल्फेट क्या था एक कंपाउंड था सिंगल रिएक्टेंट है यहां पे एंड जब आपने इसको हीट दिया तो ये डीकंपोज कर गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्रेक डाउन हो गया इनटू वेरियस कंपाउंड्स बहुत सारे कंपाउंड में हो गया फेरिक ऑक्साइड में हो गया सबसे बड़ी बात पहली चीज विच इज ब्राउन इन कलर ब्राउन इन कलर एंड इज डाइऑक्साइड में रिलीज हो गया जिसकी स्मेल कैसी है फाउल स्मेल जो आपको स्मेल फील होती है वेन यू बर्न इट हमने किया था ना ऑब्जर्वेशन में कि आपको बहुत फाउल स्मेल आती है सल्फर की एंड एसओ थ्री सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको यहां पे रिलीज हुआ है समझना एफ ई एसओ फोर विच वॉज ग्रीन इन कलर अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपको एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड का कलर कौन सा है एंड अगर इस कलर पे आप ये रिएक्शन करते हो तो किस कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पे एफ फोर का कलर हमें ग्रीन मिल गया है एंड उसको हमने हीट किया है तो इट कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आ गया इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया एंड उसके अलावा यहां पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ सल्फर ट्राई फॉर्म हुआ जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कैसे स्मेल है इट हैज फाउल स्मेल ऑल सो नाउ दिस से इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट क्या होता है जो सिंगल कंपाउंड है सिंगल कंपाउंड यहां पर कौन सा है एफ एसओ फोर एंड इट ब्रेक्स डाउन टू गिव वन और मोर प्रोडक्ट्स रिएक्ट एंड गिवस वन और मोर प्रोडक्ट ठीक है सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन डीकंपोजिशन रिएक्शन इस तरीके का रिएक्शन अगर आप देखने को मिलता है आपको तो दैट इज दी एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पिछले में कॉम्बिनेशन में क्या किया था कॉम्बिनेशन में एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जनरली जिसमें हमने एक नेचुरल गैस का एग्जांपल दिखा था जिसमें दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे एंड इट कैन फॉर्म इट ड मीन इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट विल स्टिल रिमेन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर एज इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इन वन और मोर सॉरी एक सिंगल आपका रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट is forming one or more than one products that is called as decomposition reaction clear all right now hmm okay so when a decomposition reaction is carried out by heating डी डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कई बार आपको हीट रिक्वायर्ड होती है जैसे हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा दैट हीट इज रिक्वायर्ड इन सच रिएक्शन वेयर डीकम्पोजिशन इज डन बाय हीटिंग कि जब आप हीट दोगे तभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसके ऊपर आप, आपको क्वेश्चन आता है कि आपको लेट सपोज आपको ये रिएक्शन दे दिया सामने आपसे पूछ लिया कि ये किस टाइप का रिएक्शन है तो यहां पे आपको ये याद होना चाहिए कि इफ इट इज रिक्वायरिंग हीट देन इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो एक बार इस रिएक्शन को समझ लेते हैं बेटा सी एस थ्री कैल्शियम कार्बोनेट इज अ लाइम स्टोन दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इट इज अमस्टोन ये लाइम स्टोन का है ठीक है एंड लाइम स्टोन को जब आपने हीट दिया है वेन यू गेव हीट टू द लाइम स्टोन वेन यू हीटेड इट इट हैज फॉर्म इन टू क्विकलाइम सी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया तो सिंगल रिएक्टेंट इज गिविंग टू प्रोडक्ट्स इट मीन्स लाइम इज लाइम स्टोन इज बींग डीकम्पोज इन टू क्विकलाइम एंड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट इज वॉट दैट इज अमशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सिंस इट रिक्वायर्स हीट ये हीट से ही डीकम्पोज हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन वी क्लियर है आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं सेइंग से, अगेन एंड अगेन कि एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दो तो जो हमने रिएक्शन पढ़ा आपने वो लिखना है इफ दे आस्क यू थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दो यू हैव टू राइट डाउन दिस रिएक्शन या आपको आ जाएगा कि रिएक्शन दे दिए आपको एंड देन यू हैव टू टेल कि इनमें से कॉम्बिनेशन कौन सा है डीकम्पोजिशन कौन सा है और हम जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में दे विल आस्क सो नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी एक्टिविटी दैट दैट इज इज फ्रॉम योर रिलेटेड टू द सिमिलर रिएक्शन दैट वी आर स्टार्टिंग सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीजर क्या है टेक अबाउट टू ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब दो ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है आपने ठीक है, इन वंस अगेन ठीक है में लेना है, आपको उसके बाद पेयर ऑफ टोंग्स जैसे इसमें दिखाया है ये क्या है दीज आर देयर ऑफ टोंग्स विच दिस पर्सन इज होल्डिंग तो पेयर ऑफ टोंग से आपने ये बॉइलिंग ट्यूब पकड़ना है ठीक है एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम और बाद में आपने इसको हीट कर दिया ऑन बर्नर राइट एस शोन फिगर दैट यू कैन सी वॉट डू यू ऑब्जर्व नोट डाउन देंजेस कि वेन यू आर परफॉर्मिंग दिस रिएशन विदरेट पहले हमने किसके साथ, साथ किया था तो हमने चेंज इन कलर देखा ग्रीन टू ब्राउन नाउ वी हैव टेकन दाइटरेट एंड चेंजेस टेक्स प्लेस सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन दैट विज सॉलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड फॉर्म विदोल्यूशन ऑफ ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है जो लेड ऑक्साइड है अभी हम रियाक्शन भी देख लेंगे इसका लेड ऑक्साइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है येलो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है विच इज ब्राउन गैस ब्राउन ये गैस है ये फॉर्म हो रहा है जब आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया ठीक है सो विच हैज इरिटेटिंग स्मेल नाउ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज एन इरिटेटिंग स्मेल दे आर सेइंग इरिटेटिंग स्मेल डू यू नो व्हाई आई एम राइटिंग दीज थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू क्योंकि आपको क्वेश्चन है ना तोड़ मरोड़ के आते हैं पेपर्स में तो जब आपको बोला जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी इरिटेटिंग स्मेल तो लेड नाइट्रेट तो ये आपको समझ में आ रिएक्शन देख लेते हैं This reaction बहुत में आया हुआ है। आपको इस एक्टिविटी के बेस पे ये रिएक्शन आते हैं सो ये रिएक्शन है जो हम करने वाले हैं सी कि हमने क्या क्या पढ़ा लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम सॉरी जस्ट अ सेकेंड वेट यस नाउ वी आर डिकम्पोजिंग नाइट्रेट हियर लेड नाइट्रेट डिकम्पोज कर रहे हैं टू लेड ऑक्साइड विच इज येलो इतना हमें पता लग गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड विच हैज अ ब्राउन कलर एंड इरिटेटिंग स्मेल अब रिएक्शन समझते हैं पीबीएनओ थ्री ट्व इज द फॉर्मुलड नाइट्रेट PbNO3 twice is the formula of lead nitrate. And जब lead nitrate को आपने burn किया है heat किया है तो lead oxide form हुआ है PbO. Lead का formula क्या होता है बेटा Lead is denoted as Pb. Lead को हम Pb बोलते हैं And nitrate जो है nitrate is NO3. Nitrate is NO3.

विच इज़ येलो इन कलर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इफ लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स और व्हेन यू हीट लेड नाइट्रेट विच कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड नेम इट तो आपको पता होना चाहिए कि येलो कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड इट्स नेम इज़ लेड ऑक्साइड इस तरीके के आपको क्वेश्चन आते हैं तो एक्टिविटी मिस नहीं करनी है एक्टिविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन रिलीज हो गया नाइट्रोजन कैसे है डाइऑक्साइड कैसी गैस है ब्राउन गैस है एंड इट हैज एन इरिटेटिंग स्मेल इरिटेटिंग स्मेल क्लियर टिल हियर ये समझ में आ गया सबको ओके नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड वी हैव अनदर एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 1.7 सो नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रोसीजर अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इट से Take Take a plastic mug. Take a plastic plastic mug. mug. Drill two holes at its base. टेक प्लास्टिक मग अ प्लास्टिक मग ड्रिल दो होल्स ड्रिल किए हैं, नीचे की तरफ प्लास्टिक मग में वहां पे आपने रबर से उसको स्टॉप कर दिया है होल को इन सर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर वन पॉइंट हम फिगर देखेंगे कि जिसमें रबर स्टॉपर लगाया हुआ है कार्बन डाल डालकर कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू सिक्स वोल्ट बैटरी जो आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं मग में दो इलेक्ट्रोड्स रबर के थ्रू होल में उससे आपको बैटरी अटैच करनी है कितने वोल्ट की सिक्स वोल्ट बैटरी आपने अटैच करनी है राइट नाउ फिल द मग विद वॉटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज अब उसी मग में आपने पानी डाल दिया ताकि जो आपने कार्बन इलेक्ट्रोड्स डाले हैं वो पानी में डूबे रहे ये याद रखना है हमने एड्यू ड्रॉप डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डायल्यूट एच टू एस आपने एड करना है दैट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वॉटर टेक टू टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वॉटर एंड इनवर्ट देम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स दो टेस्ट ट्यूब लेना है अभी तक हमने क्या किया है मग में पानी डाला मग में पानी डालने के बाद आपने फ्यू ड्रॉप ट्यूब लेनी है जिसमें क्या करना है पानी से भरना है एंड उसको चुपचाप इन्वर्ट कर देना है किस पे दो कार्बन के जो इलेक्ट्रोन है उस पर स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द अपारेटर्स अनस्टर्ब फॉर सम टाइम बैटरी भी आपने कनेक्ट की हुई है सिक्स वोल्ट की अब जब आपने ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया

एंड जो ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ से जो आ रहे हैं तो जो आपने टेस्ट ट्यूब रखी थी दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वहां पे वाटर की जगह बबल्स आने लग जाएंगे बबल फॉर्म होने लग जाएंगे डिस्प्लेस करके नाउ दे आर आस्किंग इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब कि जो गैस कलेक्ट हो रही है इसका मतलब बबल्स आ रहे हैं तो कोई गैस रिलीज हो रही है इलेक्ट्रोड से तो क्या इन गैस का वॉल्यूम दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम है क्वेश्चन वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव दम केयरफुली जब वो गैसेस आ जाए टेस्ट ट्यूब में तो उनको फिर रिमूव कर लो आराम से नाउ वॉट दिट ये सो टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स टेस्ट ट्यूब में गैसेस फिल हो गई आपने टेस्ट ट्यूब हटा ली अब दोनों टेस्ट ट्यूब के पास आपने कैंडल लेके आना है इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू हीट द गैसेस दैट्स वट इट मींस यस बट रिमेंबर वन थिंग क्वेश्चन क्या है दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर वट हैप इन ईच केस क्या होता है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड कौन सी गैस है जो दोनों टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है तो ऑल एंड ऑल लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम ये प्लास्टिक का मग लिया हमने प्लास्टिक के मग में आपने दो होल्स ड्रिल कर दिए नीचे यहां पे एंड यू हैव क्लोज्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ रबर रबर स्टॉपर लगा दिया नाउ यू हैव यूज्ड कार्बन इलेक्ट्रोड दैट इज ग्रेफाइट रॉड इसमें कार्बन ही होता है डोंट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड कि ग्रेफाइट रॉड आ है ग्रेफाइट रॉड में कार्बन ही होता है कंटेंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द ग्रेफाइट रॉड ठीक है आपने रबर स्टॉपर के थ्रू क्या लगा दिए दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए समझ में आ गया सबको नाउ यू हैव एडेड वाटर ठीक है एंड वाटर में आपने और क्या ऐड कर दिया है डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया आपने ये सॉल्यूशन में समझ में आ गया उसके बाद दो टेस्ट ट्यूब लिए आपने एंड इसको दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट कर दी देखो कर दी ना इनवर्ट उसके बाद आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सिक्स वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है एंड देन यू विल पास द इलेक्ट्रिसिटी हियर पास द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड यू विल लीव दिस फॉर सम टाइम एंड उन्होंने बोला कि जब आपने इसको थोड़े टाइम तक रख दिया तो पानी की जगह देखो पानी की जगह बबल्स आने लग गए हाँ आन समझ में आ गया सबको तो अब इन्होंने पूछा है कि क्या दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है एंड इन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या होता है जब आप इसके पास कैंडल लेके आते हो क्योंकि हमने क्या किया हमने इसको रिमूव कर लिया है जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो हमने दोनों टेस्ट ट्यूब निकाल लिए उसको हम कैंडल के पास लेके गए ताकि हम देखें कि जो गैस प्रेजेंट है वो हीट से रिएक्ट करती है यानी हीट की प्रेजेंस में एंड उन्होंने ये भी पूछा हमसे कि विच गैस इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब कि इन ट्यूब्स में कौन सी गैस प्रेजेंट है राइट सो लेट अस नाउ लुक एट द ऑब्जर्वेशन व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर गैस कलेक्टेड एट द कैथोड ये समझना पड़ेगा पहले कि कैथोड और एनोड कौन सा होता है कैथोड जो होता है बेटा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो इलेक्ट्रिकल अपैरेटस में कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है विच विल अट्रैक्ट विच विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस है ना क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट एनोड में एनोड में क्या होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इट विल अट्रैक्ट इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव आयंस एक तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि इलेक्ट्रिकल अपैरेटस लगाते हो तो नेगेटिव साइड इज कंसिडर्ड एज कैथोड एंड पॉजिटिव साइड इज कंसिडर्ड एज गया? सो गैस कलेक्टेड एट माइनस इज टू वॉइस दैट गैस कलेक्टेड इन दूड पॉजिटिव तो ये देख लो बेटा यहां देख लो क्या हो रहा है कि यहां पे हमने देखा कि ये माइनस वाला साइन हो गया ये क्या हो गया सॉरी ये कैथोड हो गया ना ये कैथोड है और ये एनोड है ये माइनस साइड है ये प्लस साइड है तो माइनस वाली साइड में धीरे धीरे करके जो है ज्यादा गैस uh, जो है वो इट विल गेट कलेक्टेड ठीक है गैस कलेक्ट होगी कैथोड पे ज्यादा एज कंपेयर टू व्हेन वी ब्रिंग द फ्लेम टू द गैस कलेक्टेड जस्ट सेकेंड हां जी व्हेन वी ब्रिंग द फ्लेम टू द गैस कलेक्टेड द कैथोड इट बर्न्स इमीडिएटली जब आप कैंडल लेके आओगे कैथोड वाले साइड के ट्यूब में कैथोड वाले साइड के ट्यूब में आप लेके आओगे तो इट विल बर्न इमीडिएटली वाइल गैस ऑप्टेन्ड एट दी एनोड नॉट बर्न जबकि जो गैस एनोड पे है जबकि जो गैस एनोड पे है वो बर्न नहीं करेगी मैं फिर से आपको दिखा देती हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये डायग्राम देखो यहां पर गैस ज्यादा कलेक्ट हो रही है कैसे क्योंकि पानी देखो इस साइड ज्यादा है प्रेजेंट बट यहां पानी कम हो गया है इसका मतलब यहां पे गैस आ गई है इसका मतलब यहां पे गैस आई है कौन सी गैस आई है हाइड्रोजन गैस आ गई वेयर एस इधर कौन सी गैस आ गई ऑक्सीजन आ गई साइड वाले में थोड़ी कलेक्ट हुई है ऑक्सीजन कलेक्ट हुई है लेकिन ज्यादा गैस आपको दिख रहा है क्या थोड़ी साइड पर हुई है क्योंकि पानी का अमाउंट कम हो गया पानी कम होने का मतलब गैस ज्यादा होगी तो यहां पे हाइड्रोजन गैस आ गई इधर ऑक्सीजन गैस आ गई है आवे क्लियर बट ऐसा हुआ क्यों नाउ फिर आस्क मी लो कि ऐसा क्यों हुआ कैथोड मैंने क्या बोला था कैथोड इज नेगेटिव कैथोड इज नेगेटिव तो इसमें बेटा अगर पानी का अमाउंट प्रेजेंट है या H2SO4 टू फोर प्रेजेंट है तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की हाइड्रोजन अलग हो गया ऑक्सीजन अलग हो गया हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिवली है तो पॉजिटिव किसकी किस तरफ जाएगा क्या बताया था मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो कैथोड पे हाइड्रोजन आने लग गया वेयर एज अड क्या है नोड इज पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऑक्सीजन क्या है बेटा ऑक्सीजन नेगेटिव है ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव है तो ऑक्सीजन कहां कलेक्ट हो रहा है एनोड पे कलेक्ट हो रहा है क्लियर तो कैथोड पे कौन सी गैस आ गई है हाइड्रोजन एंड एनोड पे कौन सी गैस आ गई है ऑक्सीजन समझ आ गया सबको ऑल राइट जस्ट अ सेकेंड यस तो हम कहा थे वी वर स्टार्टिंग दैट वेन वी ब्रिंग द फ्लेम टू द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इट बर्न इमीडिएटली कि कैथोड में हाइड्रोजन गैस है और अब हाइड्रोजन के गैस के पास जैसी कैंडल लेके आते हो इट विल बर्न इमीडिएटली वाइल गैस ऑपटेन ऑन एनोड डज नॉट बर्न इसका मतलब हाइड्रोजन बर्न कर रहा है हाइड्रोजन बर्न्स हाइड्रोजन गैस सेकेंड हाइड्रोजन गैस बर्न वेर एज जो ऑक्सीजन है इट डॉट बर्न क्यों बर्न करेगा बेटा ऑक्सीजन जब आप ऑक्सीजन के पास वो लेके जाओगे ऑक्सीजन नहीं बर्न करेगा वो जो हीट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल रियक्ट विद हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ रियक्ट कर जाएगा ही. ठीक है गेट इट ओके सुनाओ so अब देख लो सारा जो हमने पढ़ा है उसका एक क्या निकलता है इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोज वॉटर इन टू इट्स कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया है इसने डी कर दिया है अपने कंपोनेंट्स में एच टू ओ यहीं पर लिखा हुआ है देखो यहीं पर हमने मैंशन किया हुआ है लेटस सी नाउ ओके यहां देखो एच टू ओ है पानी प्रेजेंट है इसमें क्या प्रेजेंट है मग में क्या प्रेजेंट था बेटा पानी प्रेजेंट था है ना? तो पानी प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने कंपोनेंट्स में अलग हो गया हाइड्रोजन अलग हो गया ऑक्सीजन अलग हो गया किसकी वजह से क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी है। हमने क्या दी इसको इलेक्ट्रिसिटी देखो मैं यहां पे लिख रही हूं ये रिएक्शन याद होना चाहिए आपको पता है आपका ये सेम क्वेश्चन है कि आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन दो आपका एक ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में आया भी है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि गिव थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज डन बाय हीट विच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड विच इज डन बाय सनलाइट ये तीन रिएक्शन आपको लिखने को आते हैं पेपर में तो हीट वाला हमने देख लिया डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना हीट वाला देख लिया ये दूसरा हम इलेक्ट्रिसिटी वाला देख रहे हैं सनलाइट वाला हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्शन कौन करता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकम्पोज कौन होता है water. ये याद होना चाहिए आपको तो अब देख लो इलेक्ट्रिसिटी इट्स हाइड्रोजन एटम्स इन वॉटर रिसीव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस क्या कहने का मतलब है इस लाइन का मतलब मैं आपको सीधे यहां पे समझा देती हूं कि कैथोड होता है नेगेटिव कैथोड इज नेगेटिव तो इसके पास क्या है इसके पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात इसके पास हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली रिचार्ज ठीक है तो इसको क्या करना है बेटा ये आयनिक फॉर्म में आयनिक फॉर्म में रहने का मतलब अगर कोई भी एलिमेंट आपको आयनिक फॉर्म में नजर आता है तो दैट एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अनस्टेबल एलिमेंट यह अनस्टेबल है इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने मोलिकुलर फॉर्म में आना है अपने मोलिकुलर फॉर्म में आना है तो यहां से क्या करेगा जो और हाइड्रोजन है हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया एक और इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया कहां से मिला यह इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिला जहां पे दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो दोनों क्या करेंगे ये आपस में H2 बना लेंगे तो ये क्या हो गया दिस इज दोलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन दिस इज दोलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कैसे ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है एंड इनके ऑक्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तभी ये स्टेबल होंगे। तो यहां से इसने ले लिया इसका इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लियर तो दो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे आपस में इन्होंने शेयर कर लिया ऑन कैथोड कैथोड पे दो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है है ना तो दोनों ने आपस में शेयर करके H2 बना दिया दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन वी क्लियर हियर

क्लियर है यहां पर बन गया है ओ टू दो इलेक्ट्रॉन लूज करके दिस इज द मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दिस इज मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विच इज फॉर्म वेन इट रियक्ट इन सोल्यूशन समझ में आ गया सबको ऑल राइट ना अब आपकी दूसरी एक्टिविटी आ जाती है एक्टिविटी वन पॉइंट सेवन प्रोसीजर देखते हैं टेक टू ग्राम सिल्वर क्लोराइड दो ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया आपने इन अ चाइना डिश ये सिल्वर क्लोराइड ले लिया हमने चाइना डिश में वॉट इज इट्स कलर अब आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है प्लेस दिस चाइना डिश इन दिस सनलाइट फॉर सम टाइम चाइना डिश को हमने कहा रख दिया है सनलाइट में रख दिया देखो चाइना डिश को हमने सनलाइट में रख दिया ठीक है और हमने क्या लिया है सिल्वर क्लोराइड क्या लिया है AgCl3 AgCl3 इज वॉट सिल्वर क्लोराइड आपनेब्जर्व आपने 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 करना है कि जब आपने सिल्वर क्लोराइड को छोड़ दिया इन द सन लाइट इट मीन यू आर नॉट गिविंग हीट यू आर नॉट गिविंग इलेक्ट्रिसिटी यूर सिंपली पुट इट इन द सनलाइट एंड देन यू हैव टू सी कलर कैसा आ जाता है किसका सिल्वर क्लोराइड जो कलर आया है सिल्वर क्लोराइड का दैट टर्न वाइट टू ग्रे इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है? इट इज वाइट इन कलर एंड इट इज टर्निंग इन टू सम ग्रे इट इज टर्निंग इंटू सम ग्रे दैट यू लुक एट राइट सो यह हमारा रिएक्शन हो रहा है अब इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी देख लेते हैं एक बार वट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रियाक्शन सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट ठीक है सिल्वर क्लोराइड किसके प्रेजेंस में सनलाइट डीकम्पोजेस टू सोलिड सिल्वर तो यह एजीसीएल है बेटा टू एजीसीएल दिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड एंड विच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसकी प्रेजेंस में सनलाइट के फॉर्म में इट इज फॉर्मिंग सॉलिड सिल्वर सोलिड सिल्वर देखो सिल्वर क्लोराइड क्या है व्हाइट so कलर का है एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज टर्निंग इन टू सॉलिड सिल्वर क्या एलिमेंट सिल्वर इज ग्रे इन कलर सो अलर अपीयर्स समझ में आ गए सबको यह व्हाइट कलर से क्या फॉर्म हो रहा है एजी फॉर्म हो रहा है दैट इज सिल्वर और सिल्वर कौन सा कलर का है ग्रेस कलर का है तो यह आपको कलर याद रखना है सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट and in presence of sunlight it forms silver plus chlorine gases released to तो bahut simple equation hai bahut simple reaction hai in the presence of sunlight it is taking place yes so now similarly जैसा आपने देखा AgCl के केस में वैसे ही same जो silver bromide है also behaves in the same way silver bromide भी जो है वो similar तरीके से ही काम करता है silver bromide का formula क्या है AgBr bromide is for Br इड तो सिल्वर ब्रोमाइड इज ए जी बी आर इन द्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स सॉलिड सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस वॉट एर इट फॉर्म्स ब्रोमीन गैस समझ में आ गया सभी को नाउ अब रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये अब रिएक्शन यूज होते हैं एजीसीएल एजीबीआर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट आर नीडेड टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट भी यूज होती है हमने देख लिया है लाइट भी यूज होती है हमने देख लिया और इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो भी हमने देख लिया है ये सब किसमें नीडेड है दे आर ऑल रिक्वायर्ड इन डीकंपोजिशन रिएक्शन टू टेक प्लेस इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स जिसमें हम रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करते हैं उसमें डिकम्पोजिशन में रिक्वायर्ड होता है लाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी राइट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आएंगे राइट सो यस इन दिस पार्ट ये हमारा खत्म हो गया है लेक्चर आज का जिसमें हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है थर्ली आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बाकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर Till then, keep studying, keep learning, and I'll see you in the next lecture. Thank you.